आज 20 फरवरी 2022 का सीन आप लोग देख रहे हैं। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। ये देखिए सब वानर सेना इकट्ठा हो रहे हैं, आज इनको हम चने का भोज कराएंगे। चलो भाई आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ भाई, आज पेट भरने वाला सामान है, खाओ। नहीं नहीं, लो लो, ये बैठे हैं, भाग रहे हैं देख करके। देखिए बैठे हैं बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, छोटे छोटे बच्चे, इनको दे दे। हाँ हाँ आ रहे हैं, आओ भाई आओ 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 भाई, ताजा ताजा चना खाओ, लो लो। देखिए ये आ गए, देखेंगे अगर इधर खाएंगे चना तो ठीक है, अन्यथा फिर अगले दल की ओर चलेंगे। ये लो हुआ है, आओ देखिए चारों तरफ बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अरे वाह, भूखे रहते हैं बेचारे, अभी संख्या पूरी आई नहीं, अब धीरे धीरे हो सकता है आए। अभी लगता है बाबा जी भी नहीं आए, इसमें बाबा जी केला वगैरह लेके आ रहे हैं, तो जायका इनको मिल रहा है, इस वजह से हम चना ले आए और पेट भी भर जाएगा। लो भाई लो, आओ भाई आ जाओ। अभी ना महात्मा जी का कहीं पता है ना, नहीं दुलारी का। दिखाते हैं आपको, ये झोला के पास बैठ गए, ये देखिए अभी धीरे धीरे सब लोग आएंगे और पूरा ग्राउंड ये भर जाता है। ये देखिए ये बैठे हैं, वो वहाँ से बुला रहे हैं, चल के उनको थोड़ा बहुत दे दे, ये झोला में अटैक कर दिए। चने का भोज होता हुआ बजरंगबली के सब ये सेना है। ये देखिए दो लोग आ गए, चले हम उनको दे के आते हैं, तब तक आप लोग इसमें खाइए। यहाँ से हटेंगे तो हो सकता है कोई झोले पे आक्रमण कर दे, ये छत पे बैठे हुए। लो भाई चंगू मंगू, जय वीरू, जय वीरू उधर बैठे थे। ये बदमाश पार्टी, बदमाश कंपनी, भगे। ये आ गए देखिए दुलारी और दुलारी के बच्चे साहब, अरे राम, देखिए इनको नज़दीक से एकदम क्लोज कैमरा। ये भाई साहब, हेलो,
हेलो कर लो भाई सबसे। क्या है हमारी फोटो मत खींच, अरे खींचने दो। देखिए ये आ रहे हैं, वो महात्मा जी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो आप देखिए, दे देते हैं उधर महात्मा जी को। महात्मा जी इनके बेटे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, महात्मा जी आते हुए। आ जाओ भाई आ जाओ। ये बैठे हैं। डरो नहीं भाई। देखिए इनके बीच में, देखिए ये हमको छू रहे हैं। देखिए अरे ये कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करते हैं लोग। आओ महात्मा जी आप आइए। महात्मा जी पास में आओ थोड़ा भाई। छोटे छोटे बच्चे, शाम का वक्त है। भूखे ना रह जाएं, इस वजह से कभी कभी ठोस अनाज भी देना जरूरी है, डेली देना जरूरी है। केला वगैरह से पेट भरता नहीं। शनिवार मंगलवार को फल खिला देना चाहिए और ऐसे इनको मोटाना। उधर कोई चिल्ला रहा, लो भाई और लोगों को बुलाना पड़ेगा। चारों तरफ दे दें, पेट भर के आप खाइए सब लोग। ये किसी बगल में बैठे हैं, लो भाई लो। बैठे हैं, एक एक चना छील छील करके खाते हैं। ये लोग छिलका नहीं खाते, इसीलिए इनको दाल खिलाई जाती है, चने की दाल। बजरंग बली को हमेशा चने की दाल चढ़ाई जाती है, साबुत चना जो है जो इनको नहीं दिया जाता। चना ये छील देते हैं, छील करके और छिलका उतार करके इनको खाने की आदत है, जिसके चलते बजरंग बली को और इनको वानरों को चने की दाल खिलाई जाती है कि इनको मेहनत ना करना पड़े। ये सम्मान इनको दिया गया है, धार्मिक सम्मान। इसको कोई समझता नहीं, लेकिन चने की दाल, चना की नहीं, चना दिया जाए लेकिन चने की दाल जो है बंदरों को खिलाई जाती है कि इनको छीलना ना पड़े, थोड़ी सी भी मेहनत ना करना पड़े। इतना बड़ा इनको, मतलब इनको सम्मानित रूप में ये खिलाया जाता है, पूजनीय है, पूजा के रूप में। चना हमारी तो क्योंकि पूरा करना रहता है, इस वजह से चने की दाल लाएंगे तो पता चलेगा कि जितने का चना है उसका दो गुना दाम पे चने की दाल मिलेगी। लो भाई लो,
रही, ये दुला रही हैं, जब तक इनका पेट नहीं भरेगा तब तक ये नहीं हटेंगी। उधर उनको दे देते हैं, लो भाई बैठे हैं सब, इंतजार कर रहे हैं, निमंत्रण में पंक्ति लगा करके बैठे हैं सब। आप देखिए डलमऊ में भी ऐसे ही बैठे थे। ये देखिए छोटे से वानर, वानर सेना हमारे। ये देखिए बच्चे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे। चली गई काफी करके, लगता है इधर कम खाएंगे ये लोग, चल करके उधर ही दे देते हैं। उधर तो काफी भूखे रहते हैं बेचारे, अब इधर जो देना था दे दिया, अब थोड़ा सा बचा करके वहाँ चलते हैं, उधर देते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा, ये 20 फरवरी 2022 का वानर सेना, बजरंग बली की सेना, बाली और सुग्रीव की सेना, जो सिर्फ इनको किताबों में ही सम्मान मिला हुआ है धार्मिक ग्रंथों में, असलियत में तो ये घर घर से भगाए जाते हैं, मंदिरों से भगाए जाते हैं। घर घर की तो आप बात छोड़िए, इनको मंदिरों से भगाया जाता है, बहुत से मंदिरों से। लेकिन ये भी क्योंकि इनको भूख लगती है, मंदिरों में लोग आते जाते हैं तो खाने को वहीं पाते हैं, तो वहीं भीड़ लगाए रहते हैं। देखिए बजरंग बली, एक महात्मा जी से हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत ही सिद्ध महात्मा जी, उनके घर में 21-21 गाय वो बांधे हुए। तो उन्होंने जब जाना कि मैं बानरों को खिलाता हूँ, तो बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने हमको कहा था कि तुम सिर्फ बंदरों को ही खिलाओ, इसी से तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बल्कि हम उसके पहले से खिलाते थे, बस बात ही बात में कोई मैं उनसे पूछने नहीं गया था, बगल में पूजा थी, बहुत बड़ी पूजा थी, तो क्योंकि मंदिर में स्थापना थी तो मंदिर के स्थापना में वो आए थे, और उनके स्वयं के घर में 21 गाय बंधी हुई हैं और बड़ी सेवा करते हैं, प्रतापगढ़ साइड के पंडित जी हैं। तो जब वो जाने कि मैं बानरों की सेवा में लगा रहता हूँ और उनको भोजन वगैरह की व्यवस्था करता हूँ, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम इनकी सेवा यूं ही करते रहो, इनको खिलाते रहो, इसी से तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। उनकी बात आज भी मुझे याद है, तो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा था, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों के ही साथ में समय बिता रहा हूँ जो धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तो श्याम साधु जी के साथ में मेरा समय बीता है। तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जो बंदर होते हैं ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे जहाँ पर शंकर जी का मंदिर होगा, वहाँ ये ज़्यादा मिलेंगे। और वाकई में देखिए तो भौरे सुरन शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर बहुत संख्या है इनकी, कहें ये ज़्यादातर शंकर जी के मंदिर के ही आसपास में ये रहते हैं। यहाँ दे दिया है, चल करके उस दल की ओर बढ़ते हैं। ये हथकड़ी गैंग के पास हम आ गए हैं, अब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, जो चना बचा हुआ है इन लोग को खिला करके फिर हम जाएंगे, क्योंकि बाबा जी खिला के जा चुके हैं, इस वजह से ये ज़्यादा भूखे नहीं। क्यों पर रख देते हैं दीवार में, बड़े साहब आ गए, आओ भाई आओ जो लोग भूखे रह गए हैं उनको आराम से मिल जाइए। देखिए कोई पूड़ी वूड़ी देखे गया, इनके हाथ में पूड़ी है, आज दिन तो कोई पूरी खिला के गया है, चलो कुछ भी ना पेट भरे। देखिए हथ ये हथकटी आ गई है, इनको पहले खिला दे,
उसके बाद सबको देखते हैं, ये झोला में खाती हूँ। चलो चलो चलो, हम लोग को दूर दूर दे रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे लोग आ रहे हैं, क्योंकि हस्पटी का पेट भरना ज़रूरी है। बाबा जी बड़ा ध्यान रखते हैं इनका, क्या ये कहाँ थे बिचारी का। आ जाओ आ जाओ, दो माता आप जाइए, आपके काम का नहीं यहाँ कुछ। ये लो। ये लो। चना है, चना तो खाएंगे नहीं। चलो भाई, इन लोग को परेशान न करो। चलो गौ माता, बाद में आना। देखिए सब लोग आ गए, चना उधर फेंके हैं तो अपना सब लोग आ जाएंगे। देखिए ये हथकती झोला में खा रही, देखिए भाग गए। आओ आओ आओ, अटे नहीं कि इनको भगा दिया गया। आओ लो, खाओ इसी झोला में आराम। देखिए एकदम अंदर चिपक के बैठ जाती है सारी, छूने को भी देती है। देखिए आराम से इनको हम छू सकते हैं, वरना बंदरों को आप छू नहीं सकते। इतनी सीधी है बेचारी। ये देखिए इधर बच्चे लोग हैं, इनको फेंक देते हैं। हाँ भाई, ये लो भाई। बैठी हैं, ये उधर बैठे हैं भाई साहब। ये देखिए सामने से आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। ये चंगू मंगू बैठे हैं, दोस्ती हमकी। खाओ भाई खाओ, क्या दिक्कत, फोटो ही तो खींच रहे हैं। बैठे हुए पहाड़ी पर, हाँ जज साहब के सामने का सीन आप लोग देख रहे हैं। ये ऐसा इलाका है, यहाँ पर पहले बड़ा मुश्किल से खिलाने को मिलता था, लेकिन इस बीच देखिए खिलाने को मिल जाता है। यहाँ के जो जज साहब हैं वो काफ़ी हमको लगता है अच्छे, अब्दुल साहिब नाम है उनका। देखिए सामने बोर्ड लगा और इतने यहाँ जज साहब आए हैं, सब बैठना मुश्किल होता था, यहाँ खिला नहीं सकता। ये देखिए ये बंदर, ये इसके माथे में बाल झड़ गए हैं। ये चलो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं, हाँ ये बैठे हैं। आओ भाई खाओ, भरपेट खाओ। जब तक ये बैठी हैं तब तक हमको यहाँ दूर दूर तक दे नहीं सकते, तब तक हमको बैठना होगा, अन्यथा ये भूखी रह जाएंगी। इनको सब भगाते हैं, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे दो बच्चे बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इधर ये लोग खा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, तो लो भाई लो, ये हाथों में आके यार।
आ जाओ आ जाओ, ये लो। ये झोला में आकर के सब लोग बैठे हैं। ये लोग बैठे हैं बड़े साहब, ये पूड़ी उड़ी कहीं से आ गए, अपना पूड़ी खा रहे हैं। इधर बच्चे हैं, उधर दे दें। भाग गए सब। कटी हाल में ठीक से तो फिर उसको ले। देखिए सब लोग बैठे हैं वहाँ। ये बैठे, ये लो भाई, ये लो, खाओ खाओ खाओ। हमारे बालाजी आशीर्वाद दो हम लोगों को। मजबूत बने, आपकी सेवा में लगे रहें। जो वहाँ एक बैठी हुई है बेचारी, वो देख रही हूँ, उनको लगता आ नहीं सकती, उसको यहीं से मैं थोड़ा सा साथ भेज दूँ, अन्यथा वो खा दूँ। बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। छोटे छोटे बच्चे कितनी भीड़ लगा लिए। यहाँ वाले वानर सेना चना बड़े चाव से खाते हैं। बच्चों को नजदीक से आप देखिए, बदमाश पार्टी। हर दल में एक दो बदमाश पार्टी जरूर रहती है। चलो भाई, फरवरी 2022 का सीन आप लोगों ने देखा। सीन क्या है, सेवा है, आपने देखा जो थोड़ी बहुत है, हल्की फुल्की अपने सामर्थ्य से जो हो जा रहा। ये देखिए छोटे से बच्चे बैठे, नंगुल्ले, ये इस दल के महात्मा जी। इसी के साथ चना समाप्ति की ओर, देखिए खत्म झोला, झोला के अंदर का चना समाप्त, और हमारा आज का ये वीडियो भी इसी साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपके वीडियो देखने की वजह से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, और उस प्रोत्साहन से ये कार्य और आगे बढ़ेगा। कार्य तो इसको बढ़ाना ही हमको आगे, लेकिन आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। कृपया करके हमारे वीडियो को आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए आगे,
यूट्यूब में चैनल आगे बढ़ेगा, लोग देखेंगे, समझेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ वाकई में इनको भी आप लोगों की आवश्यकता है, ये भी इस प्रकृति के जीव हैं और इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है। ये देखिए कितने मासूमियत से देख रहे हैं। आजकल तो लोग खिलाने भी लगे हैं, वीडियो वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अभी भी इनकी दशा में बहुत बहुत अच्छा, आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी स्थिति है। भौरे सुनन वगैरह में भूखे रह जाते हैं, कई जगह ये भूखे रह जाते हैं। तो अपने आस पड़ोस में अगर इनका दल आपको दिखाई दे, दल में रहते हैं ज़्यादातर, तो कृपया करके इनको कुछ खाने को जरूर दें। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे आपके मित्र हैं, प्रकृति के दोस्त हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं, और इनकी धार्मिक मान्यता तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को मेरा फिर से प्रणाम और धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।